हेलो, तुम्हें अभी मुझसे मिलने आना होगा। प्रगति मेरी बात सुनो। मुझे पता था, मैं जानती थी कि तुम दोनों मिले हुए, इसलिए तुम्हारे पास वो मेमोरी कार्ड था जिसमें सुकन्या के वीडियोस थे। मेरी बात नहीं, मैंने गलती की भरोसा कर दी। तुम झूठे हो, तुम दोनों झूठे। आज के बाद मुझे कॉल मत करना और कभी मैसेज भी मत करना। सुकन्या बानी की फ्रेंड थी। हाँ, मैं रघुवीर से शादी इसलिए करना चाहती थी ताकि मैं उसके घर में आकर अपनी बेस्ट फ्रेंड बानी की मौत का सच पता कर सकूं, जो अब तुम कर रही हो। बानी बहुत क्लोज थी मेरे, मेरे बचपन की फ्रेंड थी, हम दोनों साथ पले बड़े। ही इज माई सेक्रेटरी, ही नोज एवरीथिंग। रघुवीर के साथ शादी के प्लान में ये मेरे साथ ही था। मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी, मैं तो बस उस घर में जाकर बानी की मौत का सच पता लगाना चाहती थी। और जब तुमने मुझे एक्सपोज किया, आई वॉज वेरी एंग्री। फिर प्रशांत ने मुझसे मिलकर बताया कि जो काम मैं करना चाहती थी वो तुम कर सकती, इसलिए मैं तुमसे मिली। बानी की डेथ के बाद आई वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन। दिन रात मैं बानी के बारे में सोचती थी और सिर्फ एक बात मेरे दिमाग में बार बार आती थी कि उस घर में कुछ तो गलत हो रहा है। बानी की डेथ कैन नॉट बी एन एक्सीडेंट। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? बिकॉज बानी वॉज अ ट्रेन्ड माउंटेनियर, पहाड़ पर चढ़ना तो उसका शौक था। इनफैक्ट उसने तो इसमें ट्रेनिंग ली थी, वो तो चैंपियन थी। बानी पहाड़ से गिर के कैसे मर सकती है? मैं नहीं मानती। और फिर मुझे ये भी पता था कि उस घर में जो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। आई कुड सेंस अ कॉन्स्पिरेसी। और जब प्रशांत ने कहा कि तुम्हें भी उस घर में ऐसा ही फील हो रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे तुमसे मिलना चाहिए। कोई ऐसी बात है जिससे हम इसी नतीजे तक पहुंच सकें? पर उस घर में जरूर तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जिससे ये प्रूव हो सकता है, और उसी को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वहां किसी पे शक हुआ तुम्हें? ठंड लग रही है, हैंडलूम्स पहनोगी? ये मेरे, आई मीन मेरे साइज के, तुम्हें आएंगे नहीं। हाँ, लेकिन मैं श्योर नहीं। श्योर तब होंगे जब मुझे वो चाबी मिलेगी। चाबी? कैसी चाबी? बेसमेंट में मुझे एक चाबी मिली। मुझे लगता है कि उससे कुछ बड़ा क्लू मिल सकता है, लेकिन किसी ने वो चाबी मुझसे छीन ली। किसने? पता नहीं, मैंने उसकी शक्ल तो नहीं देखी, लेकिन मुझे पक्का पता है वो घर वालों में से ही कोई है। उसने दो बार मुझ पर अटैक किया। पहली बार ये कहा कि मैं सबसे दूर हूँ, और अब वो चाबी मुझसे ले ली। फिर तो वो चाबी सच में इम्पोर्टेंट है। हियर आई कैन हेल्प यू। बानी अक्सर मुझे उस घर की कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताती थी, उस घर के फैमिली मेम्बर्स के बारे में, उनकी हैबिट्स, उनकी नेचर, कौन उस घर में कैसे रहता है, अपना सामान कैसे रखता है। जितना मैं अदिति आंटी को जानती हूँ, वो कोई भी इम्पोर्टेंट चाबी अपने फ्रूट बास्केट में ही रखेंगी। शालू मामी चाबी वास में रखती है। और रघुवीर सर? रघुवीर? तुम्हें लगता है वो रघुवीर था? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे पूछ रही हूँ, उनके कमरे का क्या सीक्रेट? रघुवीर को चाबी भूलने की आदत है, एक्सेप्ट कार कीज। अगर उसे कोई भी चाबी संभाल के रखनी होती है तो वो अपने शू में रखता है। बाहर निकल, चल निकल। बाहर नहीं निकल रही, पहले चढ़ती नहीं, चढ़ती है तो बाहर निकल। अरे यार, तुझे ऊपर जाती है तो सब खाली हो जाता है ना, टॉप फ्लोर क्यों नहीं हो रहा? काम ही नहीं कर रही है यार। अरे, अभी तक तो दिमाग में थी, अब तो सामने आके खड़ी हो गई। बड़ी माँ ने आपको पीने से मना किया था ना? ये तो रियल है, साक्षात सामने खड़ी है। बड़ी माँ मना कर रही है, तुम मना कर रही हो।
तुम्हें मैंने कहा था मुझे बिना पिए नींद नहीं आती। उस रात को तो आ गई थी ना, उस दिन तुम साथ में सोई थी। ओ हेलो, तुम बोरिंग हो ना इसलिए। मैं आज भी उतनी ही बोरिंग। अब प्लीज दोबारा बातें मत करना शुरू कर। वैसे भी बात करने लायक तो अब है भी नहीं। नहीं, मेरा मतलब है आप थक गए होंगे ना, तो आप सो जाइए एक मिनट। ओ हेलो, नशे में नहीं हूँ मैं, सेंसेस पूरे मेरे। मेरे खून में नशा है। नहीं, क्यों? तो क्यों रोज मेरा खून पीते यार, साथ में चखने में मेरा दिमाग खाते जाओ। क्योंकि मैं डायन हूँ ना। खुश, अब आप सो जाइए, बोतल दीजिए। बात निकल के आ गई, तुम्हें दारू पीनी है ना यार, दारू पीने तो बोल दो। पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा होता है, मांग लो मैं दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे मुझे आपकी बोतल नहीं चाहिए, आप अपनी सो जाइए, दीजिए। यही रहेगी बोतल। हाँ हाँ, आप सो जाइए, आइए। जब भी रघुवीर ड्रिंक कर लेता है वो सब भूल जाता है, और अगर उसे कोई चाबी संभालनी होती है तो वो शू में रखता है। वो कौन सी चाबी थी तुम्हारी जिसको वो भूत भाग जाते हैं उससे? क्यों? नहीं वैसे बोलने से तो तुमने बताया ना डायन तो आओगी। ज्यादा हो गया आपका? वैसे हुआ तो नहीं, पर एक मिनट, एक ग्लास। गुड नाइट बेबी, ठीक है ना? एक तो बच्चे ठीक ना? यहाँ तो कोई चाबी नहीं है। नहीं, वो दूसरे शूज थे। रघुवीर और प्रगति ऑफिस से आ गए? हाँ बड़ी माँ, पर शायद साथ में नहीं आए। रघुवीर कहाँ है? फिर से पी रहे हैं। उन्हें उसे रोका नहीं। बड़ी माँ, जब भैया पीते हैं ना तो वो स्प्लिट पर्सनालिटी बन जाते हैं, और फिर वो किसी की भी नहीं सुनते। इतने सालों से उन्होंने किसी की नहीं सुनी, कभी कभी भाभी की बात सुन लेते हैं और आपकी बात वो टाल नहीं सकते, तो आप ही उन्हें मना कीजिए ना। कुछ ऐसा कीजिए जिससे वो अपना पास्ट भूल जाए। अपना पास्ट याद करते हैं तभी तो इतना पीते हैं, किसी को अच्छा नहीं लगता। तू फिक्र मत कर, यहाँ बैठ। देख, तेरा भाई ना
बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, तू चिंता मत कर। जा बेटा, तू आराम कर। मैं भी यही चाहती हूँ कि वो अपना पिछला सब भूल जाए, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। Go. क्या कर रही थी मेरे क्लोजेट के पास? वो मैं आपकी क्लोजेट क्लीन कर रही थी। वो शूज सब उल्टे पुल्टे पड़े थे, तो इतना ही है तो पॉलिश भी करके रख दो ना। हाँ मैं कर दूंगी ना, आप सो जाइए। अगर सो जाऊंगा तो तुम्हें वो करते हुए कैसे देखूंगा जो तुम करने आई हो? क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? मैं कुछ करने नहीं आना चाहिए था। नहीं बड़े बड़े रुके ना। नहीं मैं जा रही हूँ। अरे बड़े नहीं, मैं वो आइए ना, जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल है नहीं। पर मुझे तो यही लग रहा था कि तुम दोनों कुछ और कर रहे हो। मेरा मतलब है यहाँ आकर देखने के बाद अच्छा लगा कि तुम दोनों झगड़ नहीं रहे हो। पर अभी मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुमने क्यों पी शराब? क्यों पी तुमने शराब? बड़ी माँ का कान लंबा हो जाएगा। बड़ी माँ इसीलिए तो पकड़े हैं। होने दो लंबे। बेटा तू जा, जाकर इसके लिए नींबू पानी लेकर। नहीं नहीं नहीं, नींबू कान किस लो, नींबू पानी नहीं। चढ़ी के बाद पानी डालो, नींबू पानी जल्दी। अभी अभी लाइ तू जा बेटा। जा बड़ी माँ। क्यों पीता है तू शराब? थोड़ी सी पीती। मुझे तो लगा उन्हें चाबी का पता चल गया, पर बच गई। क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उस वक्त आपको देख के लगा जैसे जैसे आप प्यार करने के अलावा कुछ नहीं जानते। फिर आप किसी को मार कैसे सकते हैं? प्रकाश कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। बेटी की पढ़ाई कैसे चल रही? सब आपकी मेहरबानी है सर, कॉलेज में टॉप किया है। अगर आप मदद नहीं करते तो कभी लगता है कि आपके दिल में दूसरों के लिए सिर्फ इज्जत है, कभी लगता है आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ नफरत है।
इतनी नफरत, जब किसी की जान एक पल में कुछ लगता है दूसरे ही पल में कुछ और। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या करूं, नफरत करूं या प्यार। दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती, सच एक ही है और मुझे वो ढूंढना है। सब सो रहे होंगे, मुझे अभी जाके देखना चाहिए। सुना है ये इसकी मनपसंद जगह थी, पेंटिंग करने का बहुत शौक था उसे। जब जब रघुवीर अपने काम से कहीं बाहर जाता था तो वो ज्यादातर वक्त यहां इसी कमरे में गुजारती थी। इतना वक्त गुजारा है उसने इस कमरे में, यह अब उसका ये कमरा नहीं उसका मकबरा बन गया है। यहाँ की हर चीज उसी की है, हर चीज उसकी याद दिलाती है। वो नहीं रही, बस कुछ यादें और कुछ निशानियां रह गई। इतना वक्त उसने गुजारा है इस कमरे में, उसका एहसास अभी तक यह है, यहाँ इसी कमरे में मैं महसूस कर सकती हूँ। वो यही कही है। प्रगति, क्या तुम उसे महसूस नहीं कर पा रही हो? पानी, यही कही है? हाँ, कभी कभी। हाँ, रख दे। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। जो काम मैं करना चाहती हूँ ना, हाँ वो बड़ी आसानी से हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। कौन सा काम करने आई हैं आप? उसकी इजाजत लेने आई हो। अपने आने वाले कल को देखने के लिए कभी कभी हमें अपने अतीत की इजाजत लेनी पड़ती है। मैं बाली को यह बताने आई हूँ कि
कि मेरा रघुवीर अब अपने आने वाले कल को देखने के लिए तैयार हो गया है, अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया।